उद्धव गुट के शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, ये तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उसी बीच ईडी की कार्रवाई जो संजय राउत के घर पर की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बोलिए ना जी। अरविंद जी, मैं ये कह रही हूँ कि संजय राउत के घर जो कार्रवाई आज ईडी की गई है, इससे पहले जो समन उन्हें जारी किए गए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि संजय राउत का साफ तौर पर ये कहना है कि ये गलत कार्रवाई की जा रही है। देखिए कि संजय राउत साहब ने पहले उनको समन जब आया, पहले बुलाया था तब जाकर आए। ऐसे नहीं कि पहली बार बुलाया और गए नहीं है, वो दो तीन बार गए, उनकी पत्नी गई है। अब रही बात, अभी जो सत्र शुरू है राज्यसभा लोकसभा का, उन्होंने तय कहा था कि ये सत्र के बाद मुझे तारीख दीजिए, मैं आता हूं। अब कल महामहिम राज्यपाल जी ने यहाँ बहुत तमाशा किया है, अब वो खबर कैसे दबा सकते हैं? ये खबर आएगी तो वो खबर दब गई, पूरा महाराष्ट्र गुस्से में है उसके ऊपर। तो ये सब राजनीति बहुत चलती है, समझ में आती है कि क्यों कर रहे हो। और वो तो कहते हैं कि मेरा कुछ सवाल नहीं, संबंध नहीं, जानबूझकर मुझे सताया जा रहा है। जो लोग पकड़े हैं उनसे डांट कर, मार कर, पीट कर उनसे ले रहे हैं। संजय राउत जी का नाम ले लो, इधर साइन करो। ये जो चल रहा है ना, ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है जी। ये बदले की भावने से काम चल रहा है, ये अच्छा नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, अरविंद जी, वो एक मुद्दा है, लेकिन ईडी की भी जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके मुताबिक चार बार समन भेजा गया। सिर्फ एक बार भेजे गए समन पर वो हाजिर हुए, उसके बाद उनकी तरफ से ना कोई जवाब दिया गया। ये तो अभी लास्ट वाले समन पर उनका जवाब है, तो इसमें कहीं ना कहीं संजय राउत को भी जाना चाहिए था, आरोप ये भी लगाया जा रहा है। उन्होंने कभी मना किया? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप मीडिया ट्रायल मत करिए। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है मीडिया ट्रायल बंद करो जी। नहीं, मीडिया ट्रायल नहीं हम कर रहे हैं अरविंद जी, खबर दो, खबर खबर है, खबर दे दो, हमने उसका जवाब दिया है। ये बदले की भावना से हो रहा है। शिवसेना को कैसे खच्चीकरण करना है, शिवसेना को कैसे उसका मनोबल कम करना है, ये सब काम चल रहे हैं। जो शिवसेना से छोड़कर उनके पास गए, तो आप लोग क्यों नहीं पूछते कभी कि इतने सारे लोगों पर ईडी की कार्रवाई थी? यही किरीट सोमैया बार बार बता रहा था, नारायण राणे से लेकर आज तक एकनाथ शिंदे से भी, सभी कार्रवाइयां क्यों चुप पड़ी है? इसका मतलब यह है कि बस धुलाई मशीन हमारे पास है, आप आ जाओ। संजय राउत जी को भी धमकाया था सरकार बनाने में सहयोग करो, नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अरविंद जी, बदले की भावना है। आप कभी जिस दिन वो बोलोगे ना, तब तक मैं समझूंगा कि मीडिया सही है। जितने लोग वहां गए हैं, कल जो हमारे अर्जुन गोतकरिया, उसने रोकर कहा कि मुझे बहुत सताया जा रहा है जी। परिवार पूरा परेशान है, तभी मैं जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये बताने की कोशिश करो, तब खबर आपकी सही लगेगी जी। चलिए अरविंद जी, आपकी बात को भी मान लेते हैं। एक तरफी खबर देना बंद करो। जो लोग गए उनका क्या किया ईडी ने, वो पूछना है मुझे, उसका जवाब दे दो। अच्छा, अब ये जो दूसरी तरफ संजय राउत के घर के बाहर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, अब आप उनको क्या निर्देश देंगे? जनतंत्र है, तुम गलत इस्तेमाल करते हो संस्थाओं का, जनभावना भी उसके साथ आएगी, पूरा गलत इस्तेमाल कर रहे। मैं बार बार वही दोहराऊंगा, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई थी, वो उनके पार्टी के लोगों ने सबूत तक दिए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी चुप है, उसका जवाब ईडी पहले दे दे, तब जाकर आगे किसी पर कार्रवाई करे। अरविंद जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे क्या कि अब वो घर से बाहर आ जाए? चलिए, उनका फोन कट गया, लेकिन इन सबके बीच ये तस्वीरें संजय राउत के घर के बाहर, शिवसैनिक इस वक्त इकट्ठा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर है, और अंदर ईडी के करीब 10 से 12 अधिकारी इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें, संजय राउत को पहले भी चार बार समन पेश किया गया। हमारे सहयोगी अतुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, भीतर जांच से अभी क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्योंकि संजय राउत कह रहे कुछ भी हो जाए मैं सरेंडर नहीं करने वाला, क्या आज संजय राउत से पूछताछ भी संभव है? किसी भी तरीके का समन आज भी भेजा जा सकता है क्या ईडी की ओर से?
जी देखिए, अभी तो सबसे पहले तो जो ईडी की टीम 10 से 12 जो करीबन अधिकारी हैं वो अंदर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो गवाही सपना पाटकर और जो दूसरे इस केस से जुड़े हुए लोगों ने गवाही दी है, उस मामले में जो एविडेंसेस या कोई जो जानकारी मिली है उस मामले में फिलहाल यहाँ पर जो ईडी की टीम है वो पहुँची हुई है। अंदर के जो लोग हैं यहाँ पर, एक तरफ शिवसैनिक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस है और साथ में जो उनके साथ एनडीआर जो सीआरपीएफ की टीम है ईडी के साथ आई है वो लगातार अंदर जांच कर रही है। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि शिवसैनिकों की संख्या यहां पर लगातार बढ़ती जा रही, महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रही है, तो ऐसे में पुलिस की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मेरे कैमरामैन सनील कंकरियाल आपको अंदर की तरफ का विजुअल दिखाएंगे कि किस तरीके से अंदर जो टीम है इस समय लगातार पूछताछ कर रही है। सुनील राउत जो संजय राउत के भाई हैं और एमएलए हैं इस एरिया के, उन्हें भी अभी अंदर रोका गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि संजय राउत की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब है, लगातार वो मेडिसिन पर हैं, बीच बीच में उन्हें हॉस्पिटल भी जाना होता है, तो ऐसे में जिम ट्रेनर की भी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो जिम ट्रेनर सुबह मॉर्निंग में इनके घर पर थे, लेकिन जैसे ही सुबह 6 बजे के करीब ईडी की टीम यहाँ पर पहुँची तो उनको तुरंत बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ वो और उनके परिवार के लोग ही इस समय घर के अंदर मौजूद हैं और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो आप इस समय कैमरे में देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरीके की कोई एडवर्स सिचुएशन यहाँ पर न हो, किसी तरीके का जो है घटना यहाँ पर न घटे, क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार शिवसैनिक यहाँ पर आते चले जा रहे हैं। जिसको भी खबर पता चल रही है कि ईडी की टीम संजय राउत के घर पर पहुंची है तो धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और नारेबाजी यहाँ पर जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।